तो अब निश्चित रूप से जब घटनाएं होती हैं और लगातार होती हैं तो प्रशासन उसके लिए विकल्प की तलाश करता है और वो करेगा निश्चित रूप से। और इस तरह की घटना, छिटपुट घटना लगातार होती आई है। आप देख रहे होंगे पिछले कई महीनों से इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है और जो देश की स्थिति है, अभी जो चुनाव का माहौल है, उसमें इस तरीके की घटना होना और बेगूसराय में होना मेरे लिए कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। लेकिन बेगूसराय की जनता बिल्कुल प्रबुद्ध है। इस तरह की सांप्रदायिक भावना को यहाँ पे हमेशा कुचल दिया गया है यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा, क्योंकि हम एक तहजीब के साथ रह रहे हैं, हम एक गंगा जमी तहजीब के साथ। आरोप बिहार सरकार पर लगाई जा रही है। बिहार की सरकार ने जिस मुस्तैदी से कार्य किया है, आपको प्रशासन की सराहना भी करनी चाहिए। आरोप लगाने वाले तो निश्चित रूप से आरोप लगाएंगे ही, क्योंकि उनको कुछ मिल नहीं रहा है। वो अभी आप उनकी जो नाखून है वो निश्चित रूप से जख्मी हो जाएंगे, लेकिन उस दीवारों से कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ की जनता, यहाँ के लोग सब अमन पसंद हैं, सौहार्द पसंद हैं। यहाँ पे किसी प्रकार की सांप्रदायिक भावना को निश्चित रूप से उपजने के लिए नहीं दिया जाएगा। सर, लगातार रजौरा से ले लीजिए, बारो ले लीजिए, खातोपुर ले लीजिए, सरौंजा ले लीजिए, बलिया ले लीजिए, कस्बा ले लीजिए, इन तमाम जगहों में इस तरीके की घटनाएं होती हैं। लोग आते हैं, बयानबाजी करते हैं, पुलिस कार्रवाई करती है, निर्दोष लोग जेल चले जाते हैं और दोषी लोग मजे लेते रहते हैं। कब तक चलेगा ये सर? देखिए, आपको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने चाहिए। रजौरा की घटना भी बहुत ही सामान्य दो बच्चों के बीच की लड़ाई की घटना थी। स्थानीय स्कूल पे उसको सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया गया, लेकिन वो भी विफल हुआ, लोगों ने समझा इसको। उसी तरीके से खातोपुर की घटना, कुछ नशेड़ी लोगों, नशेड़ी तत्वों का कार्य था, उसको भी सांप्रदायिक रूप देने का प्रयास किया गया, लेकिन वहाँ के लोग भी, सभी समुदाय के लोगों ने इस बात को समझा और इसको जो उद्देश्य था, जिनका जो लक्ष्य था, उसको उसकी पूर्ति नहीं होने दी गई। बलिया में भी उस लक्ष्य को कभी भी पूरा नहीं होने दिया। यहां जिन लोगों का नाम और जो आरोप लगाए गए जिनके ऊपर कि इन्होंने झंडे को डिस्टर्ब किया, तो सर ये बताइए कि वो व्यक्ति उस वीडियो में है भी नहीं और वो नामित हो जाता है, तो ऐसे निर्दोष लोग कब तक फंसते रहेंगे? ये सरकार किसी निर्दोष को फंसाएगी नहीं और दोषी को बचाएगी नहीं, और इसी मोटो पे माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार कार्य करती है। आज टेक्नोलॉजी का टाइम है, आप सभी वीडियो फुटेज की पूरी गहन समीक्षा होगी और उसमें जो निर्दोष लोग होंगे निश्चित रूप से उनको बिल्कुल भी किसी प्रकार की उन पे कार्रवाई नहीं होगी। निर्दोष महिलाओं और दोषी को बिल्कुल, बलिया में देखिए जब भगदड़ की स्थिति होती है तो वहाँ पे कुछ घटना ऐसी हो जाती है कि निर्दोष लोगों पे भी कुछ न कुछ अतिक्रमण हो जाता है। यहाँ पे तो स्थानीय प्रशासन है, उनके भी सर फूटे हैं। आप ही कहते हैं सर कि ना फंसते हैं ना किसी को फंसाते हैं, आपकी सरकार भी कहती है, तो जो निर्दोष लोग फंस जाते हैं उसके लिए सरकार क्या कर रही है? नहीं, निर्दोष लोग फंसे, सरकार उनको बचाती है, निर्दोष को किसी को सजा नहीं हो। कैसे सर, आप दूसरे रूप में देख रहे हैं? अभी यहाँ नहीं सर, हम उसी रूप में देख रहे हैं जिस रूप में सरकार को देखना चाहिए। अभी हम लोग यहीं पे खड़े हैं, कुछ लोग की संख्या में खड़े हैं, और कोई ऐसी आकस्मिक घटना घट जाए और हम लोग अपना जान बचाने के लिए भागे तो कुछ लोग गिर जाएंगे, कि नहीं का सर भी फूट सकता है, उसमें भी आप सरकार को दोषी मान लेंगे, तो ऐसी बात नहीं होती। जब किसी भीड़ तंत्र को तीतर बीतर करने की, उसको नियंत्रित करने की कोशिश होती है, तो उसमें निश्चित रूप से कुछ निर्दोष लोगों को भी के ऊपर भी बल का प्रयोग हो जाता है और कुछ निर्दोष लोग भी। गिरिराज सिंह सर ये भी कहे हैं जो ये प्रशासन की विफलता है, इस चीज़ को आप क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? जिस जगह घटना हुई थी वहाँ प्रशासन मौजूद नहीं। ये तो प्रशासन की सफलता है कि अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं घटना को और यहाँ पे इतनी शांति है। ये प्रशासन की सफलतम रूप को भी देखिए, नकारात्मक चीज़ों को देखने का नज़रिया जिनका होता है वो वैसे ही देखेंगे। अगर प्रशासन एक्टिव रहती तो तनाव होता ही नहीं। देखिए, अब ये कहना कि क्या होती तो क्या नहीं होता, ये तो तनाव की आवश्यकता है। शांति समिति के लोगों पर क्यों नहीं की जाती? ये लोग क्या करते हैं? शांति समिति की बैठकें होती हैं, चाय पीते हैं, थाने में निकल जाते हैं, जिम्मेदारी कुछ है इन लोगों की? ये जिम्मेदारी हमारी, आपकी, शांति समिति की, पूरे समाज की बनती है। हम सब यदि अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझें और इस तरीके के उन्माद को ना फैलने दें तो निश्चित रूप से ऐसी घटना नहीं होगी। शांति समिति में 10, 20, 25 लोग होते हैं और जनता इतनी बड़ी होती है, वो शांति समिति का जो होना चाहिए, एक जागरूकता फैलाने की बात होती है, वो होना चाहिए। और आप बंधुओं का भी इससे आग्रह होगा कि आपका भी कार्य इसमें काफ़ी अहम रहता है, यदि आप भी सजग रहें और इस तरीके की जब उत्सव का माहौल होता है उसमें पहले से ही आप लोग भी ऐसा कोई कैंपेन चलाएं
जिसमें सामाजिक सौहार्द बढ़े, इसकी बात तो कभी हमने नहीं देखी कि मीडिया की इतने, आज सोशल मीडिया से मीडिया जिंदा है। अगर सोशल मीडिया के लोग और ऐसे उत्सव के माहौल में यदि आप लोग भी कोई सांप्रदायिक संदेश दें, लोगों में ऐसी भावना को जागृत करते हैं, जो आज आप सड़कों पर उतरे हैं, दो दिन पहले से उतर के यदि आपने भावना को फैलाने का प्रयास किया होता तो हम कहें कि शायद ऐसा नहीं हुआ होता। लेकिन हम सब घटना होने के बाद एक्ट करते हैं, ये एक पद्धति रही है। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आपके लिए भी सबक है ये कि अब जब भी कोई भी माहौल हो, किसी भी धर्म का हो, जब कोई उत्सव का माहौल होता है तो आप पूर्व से एक दो दिन पहले से आप लोग भी ऐसा माहौल बनाएं कि लोगों में इस तरीके का भावना बढ़े कि लोग एक दूसरे के धर्म की कदर करें, एक दूसरे की जाति की कदर करें। ये हम सब की जिम्मेदारी है। उन लोगों का क्या होगा जो निर्दोष थे और उनका सामान फेंक दिया गया, तोड़ दिया गया, जला दिया गया। बिहार की सरकार सभी लोगों को रिसेटल करेगी, ऐसी बात हो चुकी है। प्रशासन जो निर्दोष लोगों का सामान की क्षति हुई है, जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी सब्जी बेचकर ठेले चला के जीते हैं, सबको रिसेटल किया जाएगा और सबको आर्थिक रूप से फिर से उनको उनके कार्य में लगाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि हमने चूड़ी नहीं पहना। आप चूड़ी नहीं पहना, ये सब जो वो क्या कह रहे हैं उनकी बात आप हमसे पूछ रहे हैं। मुझे क्या कहना है, बिहार की सरकार क्या कर रही है, माननीय नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, मुझसे सिर्फ इसी सवाल का जवाब पूछिए। दूसरे क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका मैं जवाब नहीं दूँ। इस तरीके का माहौल पर लगातार लोग कहते हैं कि बीजेपी के लोग करते हैं, आरएसएस के लोग करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझ के ऐसे घटना को अंजाम दे देते हैं, तो फिर बीजेपी और आरएसएस पर कन्फर्म है तो उस पर मुकदमा क्यों नहीं होती? नहीं, मुकदमा भी जो देखिए सरकार को तो चाहे देखिए, खातोपुर में सर विधायक सांसद सब थे, लेकिन निर्दोषों पर मुकदमा हुआ, भीड़ पर मुकदमा हुई, लेकिन दोनों पर मुकदमा नहीं हुआ और आप लोग आरोप लगाते रह गए कि आरएसएस और बीजेपी वाले करा। आपके उनके उद्देश्य की कभी पूर्ति नहीं हम होने देंगे, वो जो चाहते हैं वो नहीं होगा। हमारा काम जो है लोगों में अमन कायम रखना, वो